आपका क्वेश्चन है, टू मैन ऑन आदर साइड ऑफ द क्लिफ 80 मीटर हाई, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द क्लिफ टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन। नाउ क्लिफ क्या होता है आपका? रॉक है ना, या चट्टान। तो वो उसकी हाइट कितनी है? दैट इज योर 80 मीटर्स। तो सपोज दिस इज योर क्लिफ, ठीक है ना। तो ए एंड बी इज द क्लिफ, ये इसकी हाइट है 80 मीटर्स। ना टू मैन ऑन आइदर साइड, तो दैट मीन्स फ्रॉम बेस ग्राउंड, ठीक है, दिस इज द बेस ग्राउंड। नाउ दे आर ऑब्जर्विंग टू मैन्स, वन मैन इज एट सी एंड अदर मैन इज एट डी, दे आर ऑब्जर्विंग एट द टॉप ऑफ दिस क्लिफ, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम? देख रहे हैं। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा आपका? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। सपोज दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। नाउ क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दैट, दैट मीन्स फ्रॉम सी टू डी, ये हमको निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, सी से बी इज एक्स मीटर्स और बी टू डी इज वाई मीटर्स। नाउ अब हम लेते हैं 10 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री हमारा क्या होता है? देखो अपोजिट इज 80 बाई एक्स, तो 10 30 इज 1/√3, दैट इज इक्वल टू 80 बाई एक्स। तो एक्स कितना हो गया? देखो 80√3 मीटर्स, ठीक है। अब हम लेते हैं 10 60, तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू आपका है 80 बाई वाई, तो 10 60 कितना होता है? √3 इज इक्वल टू 80 बाई वाई। तो वाई कितना हो गया आपका? वाई इज इक्वल टू वी कैन से 80 बाई √3। नाउ रेशनलाइज कर दो इसको, तो √3/√3 दैट इज इक्वल टू 80√3/3। नाउ अब आपको क्या करना है? एक्स एंड वाई दोनों को ऐड करना है, तभी तो टोटल डिस्टेंस आएगा। तो हमने क्या किया? एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 80√3 प्लस 80√3/3। नाउ टेक द एलसीएम, तो एलसीएम इज 3, तो ये आपका आ गया 240√3 प्लस 80√3, दैट इज इक्वल टू 320√3/3, ठीक है ना। 320, सबसे पहले आप 320 × √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ जाएगा देखो 1.732 और 32, ठीक है। जीरो हम बाद में लिख लेंगे, या जीरो पहले लिख के छोड़ देते हैं हम, बाई थ्री। तो मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 6 14 एंड 3, नेक्स्ट 6 9 21 एंड 5, तो ये आपका आ गया 4 12 14 5 एंड 5, 5 5 4 2 4, और डॉट इज हियर, ठीक है। तो ये देखो आपका क्या आ रहा है? 5 5 4.24 है ना, × 10 करेंगे तो आपका डॉट विल कम बैक साइड। तो अब इसको डिवाइड करो, तो देखो क्या आ रहा है, 1 टाइम्स 10
25, that means 8 times, that means 1 4, that means 4 times, 22, that means 7 times, then 10, that means 3. ठीक है, तो आपका 184.733 meters, तो ये आपका क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस. ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको निकालना है.